दोस्तों पॉइंट टेबल की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप ए में टॉप पर टीम इंडिया बनी हुई है और दूसरे नंबर पर यूएसए की टीम। आज होने जा रहा है कनाडा और पाकिस्तान के बीच मैच। अगर मान लीजिए कनाडा इस मैच को जीत लेता है तो पाकिस्तान का पत्ता इस ग्रुप स्टेज से कट जाएगा और उनको वापस जाना पड़ेगा अपने देश। पाकिस्तान का आपको सिनेरियो बता दूँ वर्ल्ड कप में सुपर एट में क्वालिफाई करने का। पाकिस्तान कनाडा को बहुत ही बुरे तरीके से हराए, साथ ही में पाकिस्तान आयरलैंड को भी बहुत बुरे तरीके से हराए, वन साइडेड हराए। और उधर देखा जाए तो यूएसए को आयरलैंड की टीम हरा दे तो फिर नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान को जगह मिल सकती है सुपर एट में, वो भी 4 पॉइंट के साथ। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का मुश्किल लग रहा है आगे सफ़र बढ़ना। आज देखते हैं क्या आता है। अगर आज पाकिस्तान बड़े मार्जिन से नहीं जीत पाई तो पाकिस्तान के रास्ते और भी मुश्किल होते जाएंगे। ग्रुप बी में स्कॉटलैंड टॉप पर बनी हुई है 3 में से 2 जीतकर। स्कॉटलैंड का अगला मैच होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से। अगर मान ली स्कॉटलैंड हार भी जाता है तो भी स्कॉटलैंड के चांसेस बने रहेंगे सुपर एट में क्वालिफिकेशन के, क्योंकि इंग्लैंड को अपने आने वाले जो दोनों मैच है दोनों जीतने पड़ेंगे। साथ ही में उनको दोनों मैच जो है काफ़ी बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, जिसके कारण नेट रन रेट के जरिए अगर स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने हारती भी है तो ज़्यादा वन साइडेड ना हारे, ज़्यादा बड़े मार्जिन से ना हारे, जिसके कारण स्कॉटलैंड को क्वालिफिकेशन करने में दिक्कत आ सकती है अगर बड़े मार्जिन से वो हार जाते हैं तो। ग्रुप सी में बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के मैच में अगर मान लीजिए वेस्ट इंडीज़ जो है हार भी जाती है तो ज़्यादा बड़े मार्जिन से वो ना हारे, के बाद एक और मैच जीत के 6 पॉइंट अपने कर लें वेस्ट इंडीज़। अफगानिस्तान के साथ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैच और साथ ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से कम उनको एक मैच जीतना ही होगा, अगर वो जीतते हैं तो फिर ही उनकी क्वालिफिकेशन के जो चांसेस हैं वो बने रहेंगे। न्यूजीलैंड के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच होने वाला है वो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि नॉकआउट मुकाबला है। उगांडा को और पापुआ न्यू गिनिया को तो हरा देंगी, लेकिन वेस्ट इंडीज के सामने स्ट्रगल करते हुए देख सकती है। अगर न्यूजीलैंड को सुपर एट में क्वालिफिकेशन चाहिए तो वेस्ट इंडीज़ को हराना होगा, तभी उनके 6 पॉइंट हो जाएंगे, वरना वेस्ट इंडीज़ के 6 पॉइंट तो हो ही जाएंगे। साथ ही में उनकी नेट रन रेट जो है वो काफ़ी ऊपर है। ग्रुप डी में चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका ने 3 में से 3 मैच जीत लिया, बांग्लादेश को उन्होंने हरा दिया है। 6 पॉइंट उनके हो चुके हैं, नेट रन प्लस 0.603 है। पाल आने वाले 3 मैच बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीत रही होती है तो फिर जाके कहीं साउथ अफ्रीका के चांसेस है जो कम हो जाते हैं। का जो मैच होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड और बांग्लादेश का मैच 13 जून को रात 8 बजे है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। अगर इसमें नीदरलैंड की टीम जीत जाती है तो नीदरलैंड के पास क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, यूं कहें कि नीदरलैंड जो है वो क्वालिफाई कर ही जाएगी एक किस्म से। देखते हैं आने वाले टाइम में जो मैचेस बचे हैं उसमें से क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं।